हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम पेन ड्राइव के अंदर पे लाइव ओएस इंस्टॉल करते हैं और उसी पेन ड्राइव को हम लोग किस तरीके से लाइव अपने मशीन पे यूज़ करेंगे। तो अभी जो मेरे पास ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव 64 GB का है। हम इसके अंदर पे विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे और इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने मशीन पे। डायरेक्टली हम लोग जब मशीन बूट होगी, मतलब जो ओएस मेरा चलेगा वो विंडोज़ 10 इस पेन ड्राइव से चलेगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल में लाइक करिए और उसको शेयर करिए, जिससे मेरे वीडियोस जो आप तक मिलते रहें और भी मैं अपने नए नए टेक्नोलॉजिकल वीडियोस आपको दिखाते रहूँगा। तो गाइज़, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने मशीन के तरफ। सो अपने मशीन पर आने के बाद हम लोग अब जब हमें अपने पेन ड्राइव के ऊपर लाइव ओएस इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास जो पेन ड्राइव होना चाहिए उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास जो पेन ड्राइव होना चाहिए वो पेन ड्राइव हमारा कम से कम 3.0 होना चाहिए, जो जिससे आपको स्पीड अच्छी मिले। दूसरा, अगर आपके पास 2.0 पेन ड्राइव है उस पर भी आप लोग कर सकते हो। और साथ में जो दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है ओएस की, तब ओएस को अगर आपको रिक्वायर चाहिए तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहाँ से आप ओएस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल से जाना है तो आप गेट इनटू पीसी में चले जाइए। गेट इनटू पीसी एक आपका एप्लीकेशन है जहाँ से आप कोई भी ओएस इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर सिर्फ खाली सिंपली लिख दीजिए विंडो 10 और गो करिएगा। तो आपके पास जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन अवेलेबल है, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करिए और फिर नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर आपको दिया है, देखिए जो विंडोज़ 10 मास्ट फ्री डाउनलोड ऑप्शंस दिया है और आप नीचे आइएगा और आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता देता है, फाइल का सेटअप साइज़ क्या है, इसका पासवर्ड है और आपको डाउनलोड करना है। तो बस आप यहाँ सिंपली क्लिक करिए एंड यू हैव टू वेट सम टाइम, ये अभी चालू हो जाएगा। ठीक है, चालू हो गया। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। और ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो उसकी माइक्रोसॉफ्ट की अपनी साइट है। सो आपको बस यहाँ पर आप लिखिए विंडो 10 ISO डाउनलोड, तो आपको देखिएगा पहले ऑटोमेटिकली आपकी माइक्रोसॉफ्ट की पहली स्लाइड खुलेगी। और आप यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है कि आपके मशीन पर विंडोज़ 10 क्रिएशन टूल, मीडिया क्रिएशन टूल, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि अगर ये टूल को मैं डाउनलोड करता हूँ, कुछ 18 MB का होता है और यहाँ पर अगर आप इसको डबल क्लिक करके, आपको पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, विंडोज़ किस तरीके से हम इसको बूटेबल मीडिया बनाते हैं। सो मेरे आई बटन पर आ रहा होगा, आप उससे लॉगिन देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर अभी रेडी हो रहा है ये एंड इट विल सर्च कि क्या ऑप्शन हमको चाहिए। तो आपके पास ये दो ऑप्शन होते हैं। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी विंडोज़ 10 की इमेज है तो मैं उसको यूज़ करूँगा और हमें एक चाहिए होगा एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हम रूफस है, नहीं तो विन टू USB भी एक एप्लीकेशन है। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे रूफस यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो इसका जो पोर्टेबल वर्जन है हम लोग उसको यूज़ कर डाउनलोड करेंगे। सो अगर हम आते हैं नीचे तो यहाँ पर देखिए आपको एक रूफस का पोर्टेबल एडिशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए सिंपली। और देन इसके बाद आपको करना क्या आएगा होगा कि आपका जो पेन ड्राइव है आप अपने USB स्लॉट पे लगा लीजिए और उसके बाद रूफस ऑन करिए और यहाँ से इसको यस बोलिएगा, नो कर दीजिए इसको। सो जैसे अब यहाँ पर आ गया आपको, तो यहाँ पर आपका डिवाइस बताएगा क्या है डिवाइस है। आप चाहे तो यहाँ पर जो भी नाम आएगा आपका डिवाइस का, उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट द ओएस। तो आप यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करिएगा और जहाँ भी आपने ओएस रखा होगा आप वहाँ पर से जाके, तो मेरे पास जैसे विंडो 10 का अक्टूबर अपडेट है, ओके कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर आपको आएगा इमेज ऑप्शन। अगर आप स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन लेते हैं तो ये आपका बूटेबल मीडिया बन जाएगा, मतलब आप इस पेन ड्राइव, अगर आप ये स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन मोड लेते हैं तो यहाँ पर ही आपका जो बूटेबल मीडिया बन जाएगा, इसके थ्रू आप मशीन को बूट करा सकेंगे। मतलब अगर आपको ओएस इंस्टॉल करना है तो आप बूट कर सकेंगे, लेकिन हमारा एम है कि हम लोग अपने जो पेन ड्राइव है उसके अंदर पे ओएस इंस्टॉल करने का है। तो इसके लिए हम चलेंगे विंडो 2 गो, ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है। देन हम जैसा भी आपके मशीन्स हो, अगर आपका मशीन नया है
तो आप GPT पार्टीशंस ले सकते हो अगर आपको लैपटॉप्स वगैरह में डालना है, या तो फिर आप MBR ले लीजिए तो ये सब में चल जाएगा, मतलब जो भी आपकी पुरानी मशीन्स है वहाँ पर चल जाएगा। BIOS टू UEFI रखिएगा। आपको अगर वॉल्यूम का लेबल चेंज करना है तो आप ले सकते हो, मैं इसको लाइव विंडो लाइव CD बोल देता हूँ, विंडो लाइव पेन ड्राइव। देन फाइल सिस्टम आपका NTFS होना चाहिए, और इसके बाद आप यहाँ पर करिए स्टार्ट, तो आपको एक वार्निंग जनरेट करेगा। सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कौन सा वर्जन चाहिए। सो हम लोग अभी विंडो 10 का प्रो वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहिए हमें अपने पेन ड्राइव पे इंस्टॉलेशन, तो हम ओके कर देते हैं। और ये बोलेगा जो भी आपके पेन ड्राइव में डेटा है वो लॉस हो जाएगा, तो ठीक है इसको आप ओके करिए क्योंकि हम उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो मेरा अभी पेन ड्राइव लिया है वो 64 GB का है, तो आपके पास मिनिमम 32 GB का पेन ड्राइव अवेलेबल होना चाहिए जिस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ओके कर देते हैं हम यहाँ पर। नाउ इट डिलीटिंग योर पार्टीशन, और ये आपको समय ले सकता है, काफ़ी लंबा समय लेगा अकॉर्डिंग टू योर एपी का, मतलब जो भी आप जिस जहाँ पर आप बना रहे हो उसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन। सो इट विल टेक सम टाइम, मे बी 10 to 15 minutes और मोर देन 15 minutes ऑल्सो। सो अब यहाँ पर जो मेरा वीडियो है वो चलता रहेगा, और हम वेट करते हैं जब ये हम वेट कर लेते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको यूज़ करके भी देखेंगे कि इसको लाइव ऑन करके। तो चलिए दोस्तों इसका वेट कर लेते हैं। ओके अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पर लिखा है जैसे देखो, यू हैव जस्ट क्रिएटेड अ मीडिया यूजर्स विथ UEFI बूट लोडर। तो आपको करना क्या होगा कि जब भी आप इसे लगाना होगा तो सिक्योर बूट आपको डिसेबल कर देना, और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। सो अब इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे अपने दूसरे मशीन के ऊपर, तो उसको हम चेक करेंगे किस तरीके से ऑन होता है, और फिर हम आगे देखेंगे। सो गाइस हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अभी यहाँ पर, जैसे हमने मशीन स्टार्ट किया था अभी पेन ड्राइव से बूट हो गई है, तो इसका जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फेज़ है वही है यहाँ पर। सो हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, हम लोग बेसिक जैसे हम लोग वहाँ मशीन को कॉन्फ़िगर करते हैं वही है, स्किप कर देते हैं यहाँ से। तो एक मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया है, पासवर्ड दे देते हैं, कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए एंड एक्सेप्ट। So it will take some time.
सो नाउ इट्स कम्प्लीटेड एंड स्टार्टेड विथ अवर पेन ड्राइव। तो ये जो हमने बूट कराए थे, हमने जो मशीन पे लाइव इंस्टॉलेशन करवाए थे, अभी मशीन जो चालू हुई है वो आपके पेन ड्राइव से ही चालू है। इसको मैम चेक करना है तो आप देखिए ब्राउज़र में हम चलते हैं, हम फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं, दिस पीसी में क्लिक करते हैं। सो ये यहाँ पर आपको देखिए कि विंडो 10 सी ड्राइव दिख रहा है, जो कि हमारा 64 GB का था, और एक ऑलरेडी ये इनके पास खुद का जो इनका सी ड्राइव था वो इधर शिफ्ट हो गया है। ये देखिए, ये इस बेस मशीन का OS है जो पहले वाले हमने विंडो 10 लिए थे, और ये मेरी मशीन का OS है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था अपने पेन ड्राइव में। तो गाइज़ इस तरीके से हम अपने मशीन पे, मतलब जो हमारा पेन ड्राइव है उसके ऊपर हम लोग विंडो 10 का लाइव बूट सी बना सकते हैं। और अब ये पेन ड्राइव को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मतलब अपने इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।